क्या आपको पता है कि अगर मैं आपके घर पे ब्लैक होल क्रिएट कर दूं तो क्या होगा? और अगर आपके बैंक में अभी किसी अनजान जगह से 8 लाख रुपए आ गए तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी? इसका जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। और आपके पैर का जो लास्ट वाला सबसे छोटा उंगली है उसके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ 0.4 सेकंड्स लगेंगे। और चलो हम लाखों लोग मिलकर चलते हैं एक अमेजिंग फैक्ट्स के सफर में। फैक्ट नंबर 13, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस दुनिया के हजारों पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को खोज रहे थे, एक ऐसी लड़की जिसने हजारों लोगों की हत्या की है। पुलिस वालों ने उस लड़की का नाम दिया फैंटम ऑफ हेलब्रॉन। तो आखिर पुलिस को कैसे पता कि एक ही लड़की ने हजारों लोगों का कत्ल किया है? क्या कि क्राइम सीन में कॉटन स्वैब में यानी इसमें डीएनए उठाकर पुलिस ले जाते हैं और लैब में पता लगाते हैं कि किसका डीएनए है। तो क्या है कि जर्मनी के बहुत सारे क्राइम सीन्स में एक ही लड़की का डीएनए मिला। जहां बाइक एक्सीडेंट हुआ है वहां भी उसी लड़की का डीएनए, कहीं घर पे खून हुआ है वहां भी उसी लड़की का डीएनए, तालाब में लाश मिली है उसके पास जो डीएनए मिला है वो भी सेम लड़की का है। पुलिस कॉटन स्वैब से डीएनए कलेक्ट करते हैं। इससे आखिर कौन लड़की थी जो कि हजार से भी ज्यादा क्राइम वाले जगह पे थी? इस लड़की को खोजने में पुलिस सालों लगा दिए और आखिरकार 2 सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात पता लगी। ये पता चला कि जिस टूल से डीएनए कलेक्ट होता है यानी कि ये कॉटन स्वैब, ये जिस फैक्ट्री में बनता है वहां एक लड़की काम करती है उसी का डीएनए था। फैक्ट्री में कॉटन स्वैब बनाते वक्त उसी का डीएनए चिपक गया था। जो लड़की कॉटन स्वैब को फैक्ट्री में बनाई थी उसी लड़की का डीएनए इन कॉटन स्वैब्स में फैल गया था और इसलिए क्राइम वाले जगहों पर जब डीएनए कलेक्ट हो रहा था तब उस बेचारी लड़की का डीएनए हर बार पुलिस को मिल रहा था। उस कॉटन स्वैब में पहले से ही उसका डीएनए अटैच था, उस लड़की का कोई कसूर नहीं था। वो तो फैक्ट्री में बनाते वक्त उसका डीएनए एक कॉटन के बैच पे गिर गया था। ये दुनिया के सबसे अजीब केसेस में से एक है। इस घटना के बाद डीएनए कलेक्ट करने वाले कॉटन स्वैब्स की फैक्ट्री में नियमों का बदलाव किया गया ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का ही डीएनए इन स्वैब्स में ना गिर जाए। और इस डेटा का रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 12, आपके पैर का जो लास्ट वाला उंगली है सबसे छोटा वाला, उसको एक बार देखना, इतनी हंसी आएगी ना आपको। पहली बात, इतना छोटा होता है, और दूसरी बात, किसी किसी का तो नाखून इतना छोटा होता है कि ना ही हो तो अच्छा रहेगा। ये तो हो गए नॉर्मल बात। अमेजिंग फैक्ट की बात करें तो इस सरकारी रिसर्च को एक बार अपने स्क्रीन पे देखो, क्या लिखा हुआ है वो बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो पैर का आखिरी वाला उंगली होता है छोटा वाला, उसमें टोटल पॉपुलेशन में से दुनिया की आधी आबादी का 2 ज्वाइंट होता है और आधी आबादी का 1 ज्वाइंट होता है। आप बोलोगे मतलब? जैसे अपना ये इंडेक्स फिंगर लो, यहाँ पर 2 ज्वाइंट्स मौजूद है, एक ये 2 ज्वाइंट। तो ऐसे आपके पैर के नाखून में 1 ज्वाइंट है या 2 ज्वाइंट है, ये एक बार चेक जरूर करना। मेरा तो पैर का जो आखिरी वाला उंगली है वो इतना छोटा और इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है कि मुझे तो लगता है उसमें एक भी ज्वाइंट है ही नहीं, सिर्फ पुलुर पुलुर उंगली है। फैक्ट नंबर 11, मान लो मैं आपके घर आया और आपके मम्मा को मैंने कहा कि आंटी छोले भटूरे बनाओ तो वो बना देगी, और अगर मैं कहूँ कि आंटी गरम गरम समोसे छान दो तो वो छान देगी, पर अगर मैं आपके मम्मा को कहूँ कि फिलिन ड्यू बना दो तो वो नहीं बना पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलिन ड्यू को इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट खाना माना जाता है। बीबीसी के अनुसार, जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, दुनिया में सिर्फ 3 औरत है जिसको अभी पता है कि ये पास्ता कैसे बनाते हैं, और ये 3 औरत कभी ये सीक्रेट किसी को नहीं बताती है। फिलिन ड्यू एक तरह का इटालियन पास्ता होता है और ये पास्ता एक थ्रेड की तरह होता है यानी धागे की तरह, और इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन, और इसलिए लोगों ने इस पास्ता का नाम थ्रेड ऑफ गॉड दे दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया का सबसे रेयर खाना क्या है तो उसका उत्तर होगा फिलिन ड्यू इटालियन पास्ता, थ्रेड ऑफ गॉड, जिसे दुनिया में सिर्फ 3 लोग बनाना जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने इंद्रधनुष यानी रेनबो स्क्रीन पे तो देखा है हजारों बार, लेकिन लाइव शायद ही कभी देखा होगा। कभी कभार आसमान में इंद्रधनुष दिख जाता है, आप नहीं देखे होंगे तो आपके मम्मी पापा जरूर देखे होंगे, पर किसी ने भी डबल रेनबो शायद ही देखा होगा। डबल रेनबो मतलब कुछ ऐसा दृश्य, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। जितना रेयर एक नॉर्मल रेनबो होता है उससे 10 गुना ज्यादा रेयर ये होता है। और डबल रेनबो के बारे में एक बात आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जब डबल रेनबो अपीयर होता है तब पहला वाला रेनबो जो फॉर्म होता है उसमें जो कलर का सीक्वेंस होता है दूसरे वाले का उसका उल्टा होता है। मतलब ये कि जैसे पहले रेनबो में अगर वायलेट कलर राइट साइड में है तो दूसरे वाले में वायलेट कलर लेफ्ट साइड में होगा। दोनों उल्टा होते हैं एक दूसरे के, लेकिन साथ में होते हैं। फैक्ट नंबर 9, मान लो आप बेड पे लेटकर जिंदगी के मजे ले रहे हो, अचानक से आपने देखा कि आपके बैंक में 80,000 या फिर 8 लाख क्रेडिट हो गया। SMS आया, और SMS तो फेक भी हो सकता है, इसलिए आपने बैंकिंग ऐप में जाके बैलेंस को चेक किया, देखा सही में बैलेंस 8 लाख है। तो इस केस में ये बताओ कि आपको खुश होना चाहिए या दुखी? बताओ, आंसर है दुखी।
क्योंकि अननोन पैसा कहां से आया ये आपने ढूंढने का ट्राई नहीं किया और बस 8 लाख को खर्च करने लग गए। मतलब आप नहीं करोगे पता है मुझे, लेकिन ज्यादातर लोग आने के बाद तुरंत उसको एटीएम से विड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। तो क्या है कि बाद में जब इंक्वायरी होगी आप पे तो आपके ऊपर इतने सवाल आने लगेंगे, आपको इतने जगह आना जाना पड़ जाएगा कि आप कहोगे कि फैक्ट्रिक्स भाई मदद करो यार, तू ही तो एक भाई है, वही मदद मैं आपकी अभी कर देता हूं। ऐसी कोई घटना होने से पहले जब भी किसी अननोन अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए और वो पैसा कंसिडरेबल अमाउंट है अच्छा खासा, तो रात के 10 बजे या 12 क्यों ना बजे आपको तुरंत सबसे पहले साइबर क्राइम के आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पे जाके इस घटना को रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा पैसा कटने वाला तो केस नहीं हुआ है लेकिन अनजान जगह से पैसा आया है। और अगर नेटवर्क चलाना नहीं आता तो पुलिस थाने में जाके ये बात रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा अकाउंट जो इस ब्रांच में है उसमें अचानक से 8 लाख रुपए आए और मुझे नहीं पता ये कहां से आए और मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये टेररिस्ट ने भेजा है या क्रिमिनल ने भेजा है या किसने भेजा है ये आप लोग ढूंढ लो। आप अपना बैंक डिटेल्स किसी पार्टी के साथ शेयर करते ही होगे और कौन आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगा उधर से इस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, क्या खर्च कर रहे हो यानी डेबिट इस पे तो आपका पूरा कंट्रोल है, लेकिन सिर्फ आपका नंबर किसी के पास हो तो इनकमिंग पैसा कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आपको पुलिस से कहना है कि मेरा काम था ईमानदारी से आके अननोन पैसे को रिपोर्ट करना और वो मैंने कर दिया है। इससे क्या होता है कि केस काफी क्लियर हो जाता है। अननोन पैसा आने के बाद तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर देने से आप झमेले से फ्री हो जाते हो। अगर इल्लीगल जगह से पैसा आया होगा तो क्योंकि आपने तुरंत रिपोर्ट कर दिया था तो ये आपके ईमानदारी को दिखाएगा और आप केस में नहीं फंसोगे। इसलिए कभी ऐसा अननोन पैसा क्रेडिट वाला घटना हुआ तो ये मत बोलना कि पापा फ्री में 8 लाख आए हैं, चलो कल ही डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले आते हैं। ये करोगे तो गाड़ी तो जाएगा ही, साथ में आप भी जाओगे। कोर्ट, सावधान रहे, सतर्क रहे, जनहित सब्सक्राइबर्स में जारी। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है कई स्टडीज से आजकल ये पता चल रहा है कि आम जिंदगी में इंसान का एंजाइटी लेवल सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब उसका फोन खो जाता है। मतलब मान लो स्ट्रेस यानी तनाव का लेवल है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो फोन खो जाने पे लेवल 3 वाला स्ट्रेस आता है क्योंकि आजकल फोन इज लाइफ। सोचो आप बाहर गए हो, पॉकेट में हाथ डालते हो, फोन ही नहीं है, तब क्या होता पता है? सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सिर्फ एंजाइटी और टेंशन ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, आप गायब हो चुके होते हो। यू बिकम द टेंशन एंड द टेंशन बिकम्स यू, वेरी डीप। और जो लोग फोन में पासवर्ड नहीं लगा के रखे हैं और उनके फोन में कोई प्राइवेट चीज है और तब फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो खून पानी बन जाता है, इसलिए फोन में पासवर्ड लगा के रखें। यार लेकिन मेमोरी कार्ड तो फोन से निकाल के वो लोग फोटो देख लेगा चुरवा लोग। इसका मतलब फोन को संभाल के रखें, चोरी ही ना हो एट द फर्स्ट प्लेस, इसलिए कॉन्शियस रहें क्योंकि आपका फोन अभी के समय में बहुत जरूरी है। भारत में हर साल 40,000 से भी ज्यादा फोन चोरी रिपोर्ट होते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 365 यानी 109 लोगों की आत्मा हर दिन सूखती है। फैक्ट नंबर 7, भारत का गंगा यमुना सरस्वती नदी का अगर आप लेंथ देखोगे तो ये है, तीनों की लंबाई भिन्न भिन्न है, तीनों का लंबाई डिफरेंट है। लेकिन अमेरिका के दो सबसे बड़े नदी मिजोरी नदी और मिसिसिपी नदी, इन दोनों के बारे में एक बहुत ही फनी बात है। जब नदियों की लंबाई के हिसाब से रैंकिंग आती है तब मिसिसिपी नदी सिर्फ 1 मील के लिए हार जाता है और मिजोरी नदी टॉप पे आ जाता है। आप देख सकते हो इन दोनों का लंबाई, सबसे लंबी नदी मिजोरी रिवर की लंबाई है 2,341 मील और सेकंड नंबर पे जो मिसिसिपी नदी है उसकी लंबाई बस 1 मील कम है एट 2,340 माइल। इन दोनों की कहानी जैसी दुनिया में और कोई कहानी नहीं है जिसमें सिर्फ 1 मील का अंतर हो दो नदियों के लंबाई के बीच। दैट्स फैक्ट नंबर 6, आपको सुबह किसी काम से उठना पड़ता है तो आप अलार्म लगाते हो, अलार्म बजता है फिर आप अलार्म को बंद करके थोड़ी देर के लिए और सो जाते हो, पर अगर आपके घर में ये अलार्म रहेगा तो आपको उठना ही पड़ेगा। ये अलार्म जब बजता है तो इसके अंदर से ये 3 प्लास्टिक पार्ट्स निकल जाते हैं और रूम के दूसरे कोने में चले जाते हैं। आप जब तक उठकर ट्रायंगल वाली जगह पे ट्रायंगल प्लास्टिक को नहीं फिट करोगे, स्टार वाली जगह पे स्टार प्लास्टिक को नहीं फिट करोगे और तीसरे पीस को उसके जगह पर नहीं रख दोगे तब तक ये अलार्म बजना बंद नहीं होगा। दैट्स इरिटेटिंग। फैक्ट नंबर 5, पुराने जमाने में जब एक देश दूसरे देश से लड़ता था तब घोड़े हाथी जानवर भी लड़ाई में उपयोग होते थे, आपने टीवी पे देखा ही होगा। तो इन लड़ाई के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको जानना चाहिए, ये देखो ये एक घोड़ा जिसके ऊपर हाथी का सूंड लगाया हुआ है। जंग के समय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जंग में अगर एक हाथी और एक घोड़ा एक दूसरे के सामने आ गए तो हाथी घोड़े को हमेशा हरा देता था। लेकिन घोड़े के ऊपर नकली सूंड लगाने से ये देखा गया है कि हाथी घोड़े पे हमला नहीं करता क्योंकि हाथी को लगता है कि वो भी एक हाथी ही है या फिर बेबी एलिफेंट है और एक हाथी किसी बेबी एलिफेंट पे कभी हमला नहीं करता, इसलिए ये ट्रिक एक कॉमन प्रैक्टिस थी पुराने जमाने में। फैक्ट नंबर 4, आपने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी लाइव जरूर देखा होगा। देख के लोग अक्सर कहते हैं ओ देखो 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 कितना जोर चमक रहा है,
मे बी आपने घर से ही देखा होगा या फिर फील्ड पार्क से देखा होगा। तो ये चमकता हुआ बिजली जो आप देखते हो ये आसमान में कितना लंबा होता है? तो सुनो, एक बिजली का लाइन जो कि आप आसमान में चमकते हुए देखते हो वो औसतन 24 किलोमीटर का होता है, यानी 24 किलोमीटर का प्योर लंबा बिजली। दैट्स गजब, यानी 50-60 सोसाइटीज के लंबाई के बराबर ये बिजली का लेंथ होता है। फैक्ट नंबर 3, समुद्र के बारे में आपने कितनी बातें सुनी होगी, जैसे समुद्र का सबसे गहरा पार्ट 36,000 फीट नीचे है। और ये भी सुना होगा कि समुद्र ऊपर से तो प्लेन दिखता है पर अंदर में जमीन बहुत ही ज्यादा ऊबर खाबड़ रहती है, कहीं बहुत ज्यादा गहरा कहीं कम। जैसे कि मैंने कहा वो तो ऊपर पानी के चलते समुद्र प्लेन दिखता है, तो इससे मन में सवाल आता है कि पूरे धरती के समुद्र एरिया को स्कैन करें और एवरेज गहराई निकाले तो वो कितनी निकलेगी। हर चीज का एक औसत एक एवरेज होता है ना, तो पूरे धरती के समुद्र के डेप्थ का एवरेज कितना है? आंसर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 12,000 फीट यानी लगभग 4 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, इनका रोमन वर्जन तो आपने देखा ही होगा, ऐसे लिखा जाता है। आप देख सकते हो रोमन नंबर्स जितने आगे जाते हैं उतना याद रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है, पर रोमन में अगर आपको 10,000 लिखना है तो सिंपली एक्स लिख दो और ऊपर ऐसे दाग दे दो। रोमन में नंबर 10 को लिखना होता है तो आप एक्स लिखते हो, है ना, तो वही एक्स के ऊपर बस ये दाग दे दो, 10,000 बन जाएगा। ये काफी डेंजरस भी है। जो रोमन कंप्यूटर्स पेजेस को स्कैन करते हैं, पेज से डेटा लेते हैं और एक्स के ऊपर किसी ने जरा सा दाग दे दिया तो वो रोमन कंप्यूटर 10 को 10,000 समझ लेगा और डेटा फीड कर देगा। थोड़ा टेक्निकल फैक्ट है लेकिन मजेदार है। फैक्ट नंबर 1, जब साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों की बारी आती है तो जो वैज्ञानिक रॉकेट्स लॉन्च करते हैं देश का नाम रोशन करते हैं तब उनको देख के अच्छा लगता है, और जो वैज्ञानिक कुछ नया इन्वेंट करते हैं जो पूरे दुनिया की काम आती है ये भी अच्छा लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक डार्क साइड भी है। कुछ वैज्ञानिक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है, जैसे धरती पर आर्टिफिशियल ब्लैक होल क्रिएट कर देना, सूरज से ज्यादा टेम्परेचर धरती के किसी जगह पे हासिल करना वगैरह वगैरह। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम जगह पे होती है लेकिन होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्विट्जरलैंड का LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये मशीन दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इसके अंदर दो पार्टिकल्स को टकराकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि जब दो परमाणु टकराता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है ये इंसान देख पाए। तो आप कहोगे कि ये तो अच्छी चीज है, इससे इंसान का साइंटिफिक ज्ञान बढ़ रहा है, पर ज्ञान वाले रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बड़ा गंदा है इन एक्सपेरिमेंट्स का। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सुनो, जब ये LHC बन रहा था तब वहाँ के आसपास के निवासी बहुत चिंता में आ गए थे कि ये मशीन कुछ अनहोनी ना कर दे। पब्लिक तो ये कह रही थी कि इस मशीन के हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट से कहीं माइक्रो लेवल का ब्लैक होल ना क्रिएट हो जाए या फिर किसी ऐसी नई पार्टिकल को जन्म ना दे दे जिससे इंसान को कैंसर होने लगे। और लोगों का जैसा डर था वैसे ही हुआ। डरो मत, कोई खतरनाक पार्टिकल तो फिलहाल तक नहीं निकला है लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े कांड ऑलरेडी कर दिए हैं। इस मशीन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर हासिल किया गया था वो है 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना होता है इसका अंदाजा देने के लिए आपको बता दूं कि सूरज के कोर के टेम्परेचर से भी 1,00,000 गुना ज्यादा है ये टेम्परेचर। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। ये देखो इसका रेफरेंस अपने स्क्रीन पे। जितना नेचर यानी प्रकृति ने सूरज का टेम्परेचर नहीं दे पाया उससे 1,00,000 गुना ज्यादा इंसान आर्टिफिशियली एक लैब में क्रिएट कर रहा है। वैज्ञानिक बहुत छोटे से एरिया में इतने टेम्परेचर को क्रिएट कर पाए मशीन्स के जरिए। वैसे जरा सोचो, नॉट रियलिस्टिक बट somehow अगर वो एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देते हैं और somehow उस ब्लैक होल को वापस बंद करने में नाकामयाब रहते हैं तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा इस दुनिया का, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर समा जाएगा। देखो, साइंटिफिकली स्पीकिंग मास और वेट अलग अलग चीजें होती है, लेकिन सिंपल समझाने के भाषा में एक फैक्ट बताऊं आपको तो एक मटर के दाने इतना साइज का ब्लैक होल का वजन पूरे धरती के वजन के बराबर होता है। इतना छोटा सा ब्लैक होल ही धरती को खत्म करने के लायक पावरफुल होता है, और इसलिए स्विट्जरलैंड के कई लोगों को जो कि बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं उनको रात में नींद नहीं आती है। ओवरथिंक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाना फिलहाल तो दूर की बात है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान के पास नहीं है, लेकिन आज नहीं तो आज से हजारों साल बाद कोई ना कोई वैज्ञानिक शायद बनाने में कामयाब हो जाए और वो धरती का आखिरी दिन होगा। अगर आपके घर में आपके रूम में कोई ब्लैक होल ला दे तो आप हमेशा के लिए ब्लैक होल में चल जाओगे, आपका शरीर का हर एक कण स्क्वीज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए प्लीज वैज्ञानिक भाई लोग कुछ इन्वेंशन करो ना मस्त सा, क्या ये 5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस बनाने में लगे हो। विज्ञान की सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें रोज कुछ ऐसा पता चलता है जो कि पिछले दिन नामुमकिन सा लग रहा था, समझ रहे हो ना। इसलिए आर्टिफिशियल ब्लैक होल नहीं बनाया जा सकता है ऐसा सोचना गलत होगा।
एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। ब्लैक होल्स के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ पता करने की कोशिश की है और उन्हें जो सबसे अमेजिंग जानकारी मिली है वो ये कि ब्लैक होल्स चार तरह के होते हैं, स्मॉल ब्लैक होल्स, स्टेलर मास ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। स्मॉल ब्लैक होल्स सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसे कई ब्लैक होल्स हैं जो कि आपके पॉकेट में समा सकते हैं। इनफैक्ट हद तो ये है कि एटम के साइज का भी ब्लैक होल होता है। जी हाँ, एक परमाणु के साइज इतना छोटा ब्लैक होल। ब्लैक होल में साइज का कोई लिमिट नहीं होता है कि वो कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है। जो सेकंड पे स्टेलर मास ब्लैक होल है उनका साइज हमारे सूरज से भी 100-200 गुना बड़ा होता है। थर्ड पे जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स कहा उसका मतलब ऐसे ब्लैक होल्स जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम यानी पूरे सौर मंडल से भी ज्यादा बड़ा है। फोर्थ पे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है उसका मतलब वो ब्लैक होल्स जिसके सामने कई गैलेक्सीज भी छोटे पड़ जाते हैं। टॉन 619 नामक एक भयंकर ब्लैक होल जो कि बिना दया माया का एक दानव है जो कि ब्रह्मांड में सबको चूसते हुए घूम रहा है, वो हमारे आकाश गंगा यानी हमारे मिल्की वे से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। जिस तरह ब्लैक होल्स में छोटे का कोई लिमिट नहीं होता उस तरह बड़े का भी कोई लिमिट नहीं है। पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये कि हमारे ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स धरती से अरबों किलोमीटर दूर है और हमारी धरती फिलहाल के समय में सेफ है। वैज्ञानिकों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट 1,00,000 सालों तक कम से कम कोई ब्लैक होल धरती के सामने नहीं आएगा, बस वैज्ञानिक लैब में अनसेफ ना बना दे। दैट्स कंसर्निंग। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।